और देखिए इसी प्रकार से दोस्तों मैं यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में व्हाइट कलर का पट्टी है उसके साथ लेफ्ट टायर को अलाइन करूँगा, ठीक है। ये वाइपर ब्लेड का नकल जहाँ पर दिख रहा है, मैं बस वो नकल के साथ ये व्हाइट पट्टी को अलाइन किया ताकि आपको प्रॉपरली दिख सके। तो देखिए कॉन्फिडेंटली मैं इसे अलाइन किया, ठीक है। आप इधर भी देख सकते हैं पीछे का टायर, देखिए बिल्कुल रोड मार्कर के साथ बराबर से अलाइन हुआ है। यहाँ पर भी देखिए एक कट था और यहाँ पर भी रोड के साइड में थोड़ा, मुझे लग रहा है वो लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है। ये काव देखिए रेफरेंस पॉइंट से बाहर मैंने रख दिया। तो देखिए सामने से ये गाड़ी आ गया तो मैं यहाँ पर स्लो डाउन कर दिया, ठीक है। देखिए नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है और एक नए वीडियो में। दोस्तों जब आप ड्राइवर सीट में बैठते हैं तो गाड़ी से विंडस्क्रीन या आगे का रास्ता कुछ इस तरह से दिखता है। मैं ये कैमरा मेरा आई के एंगल के बराबर सेट किया हूँ ताकि आपको रियल फीलिंग आ सके कि ड्राइवर सीट में बैठ के गाड़ी कैसे दिखता है। अभी आप देख सकते हैं ये है विंडस्क्रीन और ये है डैशबोर्ड, ये दोनों चीज़ जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पर देखिए ये लाइन आपको दिखेगा, ये लाइन दिख रहा है, ठीक है। तो ये लाइन देख के आपको लग सकता है, देखिए इधर जो रोड है ये रोड ये विंडशील्ड के तरफ आ रहा है और मिल रहा है, इधर जो फेंसिंग है, ठीक है, ब्लू व्हाइट कलर का फेंसिंग वो भी आके इधर मिल रहा है। तो जब हम लोग नए गाड़ी चलाना सीखते हैं तब हमको देख के लगता है शायद किसी भी चीज़ हमारे गाड़ी के साथ टच हो जाएगा क्योंकि हम लोगों को लेफ्ट एंड राइट साइड का आइडिया नहीं होता है, ठीक है। मगर प्रैक्टिकली आप अगर देखेंगे तो आप देखिए वो फेंसिंग यहाँ से कितना दूर है, अगर आप मिरर में भी देखेंगे तो देखिए काफ़ी गैप है, मगर सामने से जब आप देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये फेंसिंग आके मेरे गाड़ी के साथ मिल रहा है। सिमिलरली ये रोड को भी अगर आप देखेंगे देखिए कितना गैप है। तो एक्चुअल में हम लोगों को जो लगता है शुरुआत में कि ये हमारा गाड़ी के साथ टच हो रहा है ये फेंसिंग और ये रोड शायद गाड़ी इसके ऊपर चढ़ गया है, वो एक्चुअल में नहीं होता है। तो हम लोग कैसे लेफ्ट एंड राइट साइड का जजमेंट करेंगे? तो लेफ्ट एंड राइट साइड का जजमेंट करने के लिए दोस्तों हम लोगों को रेफरेंस पॉइंट समझना पड़ेगा। आप नोटिस कर सकते हैं कि वहाँ पर मैं एक वाइट कलर का स्टिकर अटैच किया हूँ, एक मास्किंग टेप छोटा सा अटैच किया हूँ। क्यों अटैच किया हूँ? क्योंकि वो मास्किंग टेप जिस पाथ से जाता है वो पाथ मेरा गाड़ी का राइट टायर का पाथ है। और इसे मैं कैसे मेजर किया? तो देखिए ये है स्टीयरिंग व्हील, इस स्टीयरिंग व्हील का यह है 3 o'clock का पोजीशन। आप इसको एक क्लॉक के साथ या घड़ी के साथ इमेजिन कीजिए तो यहाँ पर 3 o'clock आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर एक सीधा स्ट्रेट लाइन आप इमेजिन करेंगे तो वहाँ पर वो जहाँ पर मास्किंग टेप मैं अटैच किया हूँ उस पॉइंट में जाके वो स्ट्रेट लाइन खत्म होता है, तो वहाँ से मेरा गाड़ी का राइट टायर का ट्रैक चलता है। और कुछ इस प्रकार से अगर मैं लेफ्ट साइड से यहाँ पर 9 o'clock का पोजिशन से एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन करूँगा तो वहाँ पर आप देख सकते वाइपर ब्लेड का जो नकल है वो दिख रहा है। ये हर एक कार में नहीं दिखता है बट इसी तरह का कुछ जगह पे गाड़ी का लेफ्ट टायर का ट्रैक चलता है, ठीक है। तो शुरुआत में जब आप गाड़ी चलाना सीखेंगे तब सेफ रहने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा ये जो डैशबोर्ड है ये डैशबोर्ड का मिडिल से आप एक लाइन को इमेजिन कीजिए और उस लाइन से बाहर किसी भी चीज़ को रखिए, ठीक है। तो इसका मतलब वो गाड़ी का लेफ्ट साइड से बाहर ही रहेगा और काफ़ी गैप भी रहेगा उसके अंदर। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप लेफ्ट टायर का ट्रैक जो है उसे पहचानने का कोशिश कीजिए और राइट टायर का ट्रैक को भी पहचानने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और इसलिए मैं ये रेफरेंस पॉइंट टेक्निक अप्लाई करता हूँ। जब भी ये दोनों रेफरेंस पॉइंट के अंदर कुछ आता है तो उसका मतलब ये है वो डेंजर जोन में है और उसके साथ मेरा गाड़ी टच हो सकता है। तो मेरा काम ये होता है कि उसको रेफरेंस पॉइंट से इधर इधर नहीं तो उधर रखना, ठीक है। अभी कुछ कुछ टाइम आप देखेंगे राइट साइड में अगर कुछ किसी भी चीज़ आता है या कोई भी गाड़ी अपोजिट साइड से आता है तो हमें लगता है कि हमारे गाड़ी के साथ टकराएगा, मगर ये रेफरेंस पॉइंट जब हम समझ जाएंगे तो वो नहीं टकराएगा। तो इसलिए हमें राइट साइड में ज़्यादा गैप छोड़ने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है राइट साइड में अगर आप ज़्यादा गैप छोड़ते हैं तो लेफ्ट साइड से अगर कोई भी चीज़ नज़दीक चले जाते हैं तो उसके साथ टच कर जाता है। तो ये मेजरमेंट करने के लिए ये टेप काफ़ी हेल्प करता है। और इस टेप से अगर कुछ चीज़ आप बाहर रखेंगे तो ये मिरर भी आपके गाड़ी के साथ टच नहीं करेगा क्योंकि ये मेजरमेंट कुछ इसी तरह से किया गया है। और ये कैसे किया है ये देखने के लिए आप आई बटन में जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ उसे क्लिक करके देख लीजिए, बहुत ही छोटा सा वीडियो है 2-3 मिनट का। तो दोस्तों पहला काम ये है ये मोबाइल फ़ोन को गाड़ी चलाने से पहले दूर रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे स्टिक कर दिया, ये दोनों मोबाइल फोन होल्डर है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक अटैचमेंट है और मैंने इसको ये स्मूथ सरफेस के साथ अटैच किया है डैशबोर्ड के ऊपर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड के बीच में एक मार्कर टाइप का है। तो अभी देखिए मैं इसके ऊपर से गाड़ी का राइट टायर लेके जा रहा हूँ, ठीक है।
आप आवाज़ सुन सकते हैं। जस्ट मैंने ये रेफरेंस पॉइंट के साथ मैच करवाया, ठीक है, और अकॉर्डिंगली मैं चल रहा हूँ। आवाज़ सुन रहे हैं आप? तो कुछ इस प्रकार से दोस्त आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके अगल बगल में इस टाइप का रोड है तो मार्कर के साथ अलाइन करिए और चेक कीजिए आपका प्रिसिशन ठीक ठाक हुआ है या नहीं। और देखिए कुछ इसी प्रकार से दोस्तों मैं यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में वाइट कलर का पट्टी है उसके साथ लेफ्ट टायर को अलाइन करूँगा, ठीक है। ये वाइपर ब्लेड का नकल जहाँ पर दिख रहा है, मैं बस वो नकल के साथ ये वाइट पट्टी को अलाइन किया, ठीक है। अभी थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पर दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो देखिए मैं थोड़ा आगे आ गया, ठीक है। अभी दोस्तों मैं आपको नीचे चल कर दिखाऊँगा किस प्रकार से अलाइन हुआ है, बिल्कुल अनकट वीडियो है। तो मैं कैमरा को थोड़ा नीचे कर दिया ताकि आपको प्रॉपरली दिख सके। तो देखिए कॉन्फिडेंटली मैं इसे अलाइन किया, ठीक है। आप इधर भी देख सकते हैं पीछे का टायर, देखिए बिल्कुल रोड मार्कर के साथ बराबर से अलाइन हुआ है, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से दोस्तों प्रेसिशन जजमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक कैटल है, मुझे लग रहा है वो लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है। ये काऊ देखिए रेफरेंस पॉइंट से बाहर मैंने रख दिया। और इस बात को भी ध्यान रखिए, अगर आपको रोड में काऊ दिखता है उसे ज़्यादा होंकिंग मत कीजिए, क्योंकि उनको पता नहीं है होंकिंग क्या होता है। उनका गतिविधि को पहचानिए, वो किधर जा रहा है, जस्ट उसके ऑपोजिट साइड से उनको पास कर लीजिए। देखिए उधर से एक एम्बुलेंस आ रहा है, ठीक है। तो पहले इनको शोर ना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक बैरिकेड है, ठीक है, और ये बस सीधा जा रहा है। तो मैं धीरे धीरे इस बैरिकेड को राइट साइड का रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड में रखूँगा, ठीक है। अभी मैं क्विकली इस बस को ओवरटेक करूँगा। मैंने यहाँ पर थर्ड गियर में शिफ्ट कर दिया और बस को मैं ओवरटेक कर दिया यहाँ पर। अभी देखिए सामने यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मेट्रो रेल का वर्क। तो यहाँ पर देखिए ये राइट साइड से मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आऊँगा, ज़्यादा लेफ्ट साइड में नहीं जाऊँगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से भी ओवरटेक होता है इस रोड में, ठीक है। तो इसलिए मुझे राइट साइड का ये रेफरेंस पॉइंट देख के जजमेंट करना पड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे राइट साइड का रेफरेंस पॉइंट पता नहीं होता है तो क्या होता है, तो मैं ज़्यादा लेफ्ट साइड में चला आता हूँ और उसके वजह से जजमेंट में गड़बड़ी हो जाता है। यहाँ पर देखिए रोड बैरिकेड है और मैं इस बैरिकेड से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आऊँगा, ठीक है। अभी मैं इधर जाऊँगा, तो मैं धीरे धीरे लेफ्ट टर्न लिया। तो ये रोड देखिए ये काफ़ी नैरो रोड है और इसमें बस भी चलता है। तो देखिए सामने से ये गाड़ी आ गया, तो मैं यहाँ पर स्लो डाउन कर दिया, ठीक है। देखिए कैसे मैंने राइट साइड का जजमेंट किया। मुझे उनका भी रोड देखना पड़ता है कि उनको जगह है या नहीं, अगर उनको जगह नहीं है तो मुझे एडजस्ट करना पड़ता है ताकि उनको अच्छी तरह से जगह मिल जाए, वो पास हो सके, क्योंकि वो अगर नहीं पास कर सकेगा तो मैं भी नहीं पास कर सकूँगा, सिंपल। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये वैन लेफ्ट साइड का रेफरेंस पॉइंट से काफ़ी बाहर है, उधर से गाड़ी आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने स्लो डाउन कर दिया, ये सब गाड़ियों को मैं राइट साइड का रेफरेंस पॉइंट से बाहर रखा। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर स्लो डाउन किया, ठीक है। अभी ये जगह मेरे लिए थोड़ा नैरो हो गया था, तो देखिए मैं धीरे धीरे इस जगह को क्रॉस किया। अभी यहाँ पर दोनों साइड का जजमेंट करना पड़ा था मुझे। यहाँ पर देखिए यह वैन खड़ा है और उधर से गाड़ी आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर स्लोली आगे निकला। वैन में लोहा का रॉड था, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्पीड ब्रेकर है सामने, ठीक है। यह स्पीड ब्रेकर तो ठीक नहीं है, कट हो गया। और इधर पे रोड साइड में स्टोन चिप है और यहाँ पर लेफ्ट साइड में, बिल्कुल लेफ्ट साइड में एक कट है। यहाँ पर देखिए मैं मेरा गाड़ी का लेफ्ट पहिया इस कट से निकलवाया, ठीक है। यह जस्ट दिखाने के लिए किया, क्योंकि इसे प्रिसिशन ड्राइविंग कहता है। आपका गाड़ी का लेफ्ट टायर या राइट टायर एग्जैक्टली कहाँ से जा रहा है उसके हिसाब से अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आप बहुत ही नैरो जगह से भी सेफली जा सकते हैं। तो इसे प्रेसिशन ड्राइविंग कहा जाता है, ठीक है। देखिए रेफरेंस पॉइंट से बाहर है, मैं निश्चिंत होकर गाड़ी चला रहा था। यहाँ पर भी देखिए एक कट था और यहाँ पर भी रोड के साइड में थोड़ा डाउन जगह था, ड्रेन टाइप का था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में एक कट है, ठीक है। और मैं बिल्कुल ही उस कट से गाड़ी को लेके आगे जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए
ये ऑटो को मैंने कुछ इस प्रकार से जगह छोड़ा ताकि वो पास कर सके, क्योंकि उसके सामने एक ट्रेनिंग गाड़ी था और वो काफ़ी स्लो चल रहा था। देखिए ये ऑटो रिक्शा रिफरेंस पॉइंट से बाहर था, ठीक है, और सामने ये गाड़ी काफ़ी स्लो चल रहा है, लग रहा है ये शायद कहीं पर रुक सकता है, तो इनको कोशिश करते हैं ओवरटेक करने के लिए। राइट साइड से बाइक आ रहा है और यहाँ पर रोड भी खराब है, ठीक है, तो अभी एक मौका मिला, अभी देखते हैं। तो उनको मैंने रेफरेंस पॉइंट से बाहर रखा था और उसके बाद ओवरटेक किया। ये देखिए ये अभी रेफरेंस पॉइंट से बाहर हुआ, पहले ही वो स्विफ्ट गाड़ी रेफरेंस पॉइंट के अंदर आ गया था, वो इस तरफ चला गया था, तो मैंने थोड़ा लेफ्ट साइड में जाके उनको रेफरेंस पॉइंट से बाहर किया, ठीक है। ये साइकिल जो था साइकिल को भी मैंने रेफरेंस पॉइंट से बाहर रख दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रोड का जो प्लास्टिक का कोन है यहाँ पर देखिए एक टूटा पड़ा है, तो इसके ऊपर से मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। मैं मिरर में भी चेक कर लिया, उसके ऊपर से मेरा गाड़ी नहीं गया। अभी मुझे राइट साइड में जाना है, तो कुछ इस प्रकार से मैंने राइट साइड में आ गया है। यहाँ पर रोड नैरो था और नैरो रोड में लेफ्ट राइट साइड का जजमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।